बच्चों, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? थोड़ा सा परेशान हूँ आज, क्योंकि कोशिश तो कर रहा हूँ आपको काफ़ी बढ़िया से काम हो जाए, लेकिन थोड़ी सी बच्चों, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? थोड़ा सा परेशान हूँ आज, क्योंकि कोशिश तो कर रहा हूँ आपको काफ़ी बढ़िया से काम हो जाए, आज दूसरी जगह से लेकिन एक्चुअली क्लास बच्चों दे रहा हूँ ना बच्चों। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? अभी आवाज़ कैसी आ रही है बच्चों? अभी आवाज़ कैसी आ रही है बच्चों? थोड़ा सा और वेट कराऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, क्योंकि अब आवाज़ भी क्लियर आ रही है, सारी चीज़ें सेट हो गई हैं, और क्षमा चाहूँगा बहुत टाइम लग गया आज सेट करने में। तो फटाफट थोड़ी सी क्लास ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन कोशिश यही है कि मैं आपकी मैक्सिमम क्लास ले सकूँ। तो ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हम कहाँ पर थे, हमने कहाँ पर छोड़ा था, वहाँ से शुरू करते हैं। अभी तो आवाज़ क्लियर आ रही है शायद, है ना? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो हमने ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा था, हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन पढ़ा था, हमने इंटीग्रेशन पढ़ा, फिर हमने फॉर्मूले टू इंटीग्रेट पढ़े, फिर हमने रूल्स फॉर इंटीग्रेशन पढ़ा, फिर हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा। अगर याद हो तो मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन में हमने डबल डेरिवेटिव का फायदा उठाया था, डेरिवेटिव को जीरो किया था, और उसके बाद डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब ऐसा और नेगेटिव का मतलब इस तरीके का, और उससे मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में हमने आइडिया लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इंटीग्रेशन की शुरुआत करी, बहुत ही मज़ेदार चीज़ थी इंटीग्रेशन, और फिर फॉर्मूले पढ़े इंटीग्रेशन के,
उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको शीट भी इंटीग्रेशन की मिल गई होगी। मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी, और इंटीग्रेशन की नहीं, अभी तो फिलहाल मैंने 1D की डाली थी, क्योंकि 1D काइनेमैटिक्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन की प्रैक्टिस अभी हमारी उतनी नहीं हुई है, इस कारण से हमने अभी प्रैक्टिस के लिए उसको डाला है। फिर मैं इंटीग्रेशन की भी शीट डालूंगा, फिर रूल्स फॉर इंटीग्रेशन हमने पढ़ा, उसके बाद फिर हमने सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे एक डिटेल क्लास ले लो प्लीज विद प्रैक्टिस। बच्चा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अभी खत्म हुआ ही नहीं है, अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और भी आएगा, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको बहुत मजा आएगा, है ना। और हमने फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा, डेफिनेट इंटीग्रेशन की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी हमने, और जो लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था उस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बच्चों। तो यह है क्वेश्चन आपके सामने, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग 1D मोशन अलोंग एक्स एक्सिस डिपेंड्स ऑन टाइम टी एज वी इक्वल टू इतना, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। इफ पार्टिकल वॉज एट एक्स बराबर 2 मीटर एट टी इक्वल टू 0। चलिए फटाफट, इस क्वेश्चन को शायद होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो क्यों ना चला इस क्वेश्चन को देख ही लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो वेलोसिटी दी गई है बच्चों, वेलोसिटी है 2t + 3t². ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताना चाहता हूं। सबसे पहला काम, वेलोसिटी को लिखें आप ds/dt, और dt को इधर ले जाएं, क्योंकि याद हो तो थोड़ा थोड़ा ds जो है, थोड़ा थोड़ा ds, छोटा छोटा ds हम अगर ऐड करते जाएंगे तो हमारा काम बनता जाएगा, याद है ना आपको। तो वो छोटा छोटा ds ऐड करने की तैयारी चल रही है। तो यहां से अगर मैं ऐड करता हूँ छोटे छोटे ds को, तो ये है इंटीग्रेशन का समेशन, टी इक्वल टू इसको इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ dt आएगा। टाइम कहाँ पर सर, अब पूरा 11 पढ़ाओगे सर प्लीज? बिल्कुल बेटा, पूरा 11 क्या, 11 दोबारा दोनों पढ़ाऊंगा पूरे के पूरे, ठीक है। तो t बराबर, देखिए कहाँ से चालू किया, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू, इफ पार्टिकल वॉज एट एक्स बराबर 2 मीटर एट टी इक्वल टू 0, तो यहाँ टी इक्वल टू 0 डालिए, यहाँ एक्स बराबर 2 डालिए, dx है तो इसको x लिख सकते हैं, और बढ़िया रहेगा। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपसे x कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे x -2 इक्वल टू 2t² / 2 + 3t³/3 0 से 2, ठीक। अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी, इसको ऐसा करते हैं, इसको रब कर देते हैं ऊपर वाले को, और यहां पर फर्दर सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 2 की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, x माइनस 2 इक्वल टू ये कैंसिल, तो एक बार 2 रखेंगे फिर माइनस करके 0 डालेंगे, ठीक है। तो अरे वाह, महुआ घोष ने इसका आंसर भी बता दिया, शाबाश बच्चा। तो 4 + 8 -0, ठीक। तो यहां से x इक्वल टू आता है 8 + 4 12, 12 + 2 14 यूनिट, तो 14 यूनिट मतलब 14 मीटर इज द आंसर। इसमें मेरे हिसाब से मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँ बच्चों, और अगर आपको समझ में आ गई होगी ये बात, तो फिर अगला क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए आपके सामने है फटाफट, सोमेश पाटिल, अगर आपको रोडो के क्वेश्चन में अप्रोच समझ में नहीं आ रही है, तो मैंने कुछ अप्रोच बनाई है, मैंने कुछ यूँ कह सकते हैं कि मैंने आपके लिए रोडो के सोल्यूशन एक चैनल पर ला रहा हूँ, उसका नाम है अनअकैडमी टॉप गन्स, उन पर सोल्यूशन को देखेंगे तो आपको अप्रोच भी समझ में आ जाएगी, मैंने अप्रोच के साथ उन सोल्यूशन को बताया है। अब आते हैं, एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम टी एज ए इक्वल्स टू 60 + 60² नाउ एक्सेलेरेशन इज dv/dt, ध्यान से सुनना, इक्वल्स टू 60 + 60², ठीक है। इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0 इज 2 m/s देन फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। सबसे पहली बात ये है dv, और dt को अगर इधर ले जाएंगे तो dv dv का समेशन आ जाएगा, इसका मतलब है ये क्वेश्चन हमसे
कैसे होगा, डीवी को रखेंगे, 6t प्लस 6t स्क्वायर इंटू dt का इंटीग्रेशन करेंगे। किया साहब, t बराबर 0 पर बच्चों वेलोसिटी 2 दी गई है और t बराबर 1 पर पूछी गई है, लेकिन फिर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी पूछा गया है ना, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में v एज अ फंक्शन ऑफ t पहले निकाल लेते हैं और फिर टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड डाल देंगे, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा, है ना। तो यही काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या आएगी बच्चों, v माइनस 2 आईडी जैक्शन फॉर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बेटा जैक्शन जो है वो अगर तुम सॉल्व करोगे तो मतलब करना क्या चाह रहे हो, जेई करना चाह रहे हो, ओलंपियाड? जैक्शन तो किसी भी हिसाब से तुम्हारे लेवल की नहीं है। आप पहले फंडामेंटल क्लियर करिए राजदीप बाबू, और फंडामेंटल अगर क्लियर नहीं होंगे तो जैक्शन वैक्शन का कोई फायदा नहीं है, है ना। तो ये आ गया, जो टाइम था इसमें टी था, अगर आपने ध्यान दिया, ये टी है टाइम, तो इसकी इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 3t² प्लस 2t³। राधे शर्मा, ओलंपियाड के लिए भी जैक्शन सही नहीं है, पर्सल भी सही नहीं है, ग्रिफिथ आप यूज करें, ग्रिफिथ पढ़ सकते हैं, और ग्रिफिथ भी तब पढ़ें जब आपको उसके फंडामेंटल क्लियर हो। SCV पढ़ें, NCERT पढ़ें, उसके बाद ये सारी किताबों को देखें। SCV की एक एक लाइन आपको आनी चाहिए, NCERT की एक एक लाइन आनी चाहिए, उसके पॉइंट्स टू पॉन्डर आनी चाहिए, उसकी समरी आनी चाहिए, फिर आप ग्रिफिथ पढ़ सकते हैं, पर्सल पढ़ सकते हैं, जैक्सन पढ़ सकते हैं, ये सब बाद की बातें हैं, है ना। फिर आप फिनमैन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चा मेरा मानना यह है कि तुम्हें एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट अभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नहीं आता होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो पहले ये काम कर लो, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कमांड कर लो, उसके बाद ये सारी किताबें करो। तो मैं वापस आता हूँ बच्चों, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना आ रहा है, वी इक्वल्स टू 3t² प्लस 2t³, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। इसमें टी बराबर बच्चों 1 डाल दें तो काम बन जाएगा ना, तो वी इक्वल्स टू 3 + 2 बराबर 5 m/s। यही तो आया, ठीक। ये 5 m/s क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। 5 आ रही है कि क्या आएगी, प्लस 2 भी तो आएगा यहाँ पर, है ना। तो ये आ जाएगा वी इक्वल्स टू 3 + 2 + 2, दैट मीन्स 7 m/s। महुआ घोष सर, मैं जिन सर से पढ़ता हूँ वो मुझे रोडो एनसीईआरटी और SCV करने को बोलते हैं, प्लस उनका मटेरियल करने को बोलते हैं, प्लस प्लस पर। ओके सर, बस इतना ही सफिशियंट होगा ना? बेटा इतना मोर देन सफिशियंट होगा, आपके सर बहुत अच्छी राय आपको देते हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि आपके सर आपको ये बोलते हैं, और मैं तो यही मानता हूँ सारे टीचर्स को यही बोलना भी चाहिए अपने बच्चों को, SCV NCERT और ज़्यादा से ज़्यादा इरोडो। लेकिन बस यही है कि करने का मीनिंग पता होना चाहिए, कि मैंने ये बुक कर ली, इसका मीनिंग बच्चे को पता होना चाहिए। इसका मीनिंग ये होता है कि उस बुक में लिखी हुई सारी चीज़ें पर्टिकुलर चैप्टर की उसे टिप पर आती हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसको, तो काम बन पाता है। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया है, तो सर आप आगे वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स फ्रॉम स्टार्टिंग। डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स फ्रॉम स्टार्टिंग मतलब 2 सेकेंड स्टार्टिंग से डिस्प्लेसमेंट बताना है, और वेलोसिटी पता है, याद करें, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। बस अपना काम बन गया, 3t² वी इक्वल्स टू, हम कहाँ पहुंच गए थे, वी इक्वल्स टू 3t² प्लस 2t प्लस 2, 2t³ था ना बच्चों, हाँ प्लस 2। अब यहां पर मैंने लिखा ds इक्वल टू 3t² प्लस 2t³ प्लस 2 dt, इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा t बराबर, देखें डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स पूछा जा रहा है ना फ्रॉम स्टार्टिंग, तो t बराबर 0 पर 0 ले लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे 2 सेकेंड का ही निकालना है तो 0 पर 0 लिया जाएगा, ठीक है, और 2 सेकेंड बाद फिर हमें पता करना है, तो ये आ गया।
वेलोसिटी एस की वैल्यू 2 सेकेंड बाद। तो एस इक्वल टू बच्चों कितना आएगा, ध्यान से देखो जरा, तो ये आएगा 3t³/3, तो टी क्यूब बचेगा। ये आएगा 2t⁴/4, तो टी की पावर 4/2 बचेगा, और ये 2t बचेगा। ठीक है, ये 0 से 2, तो एस की वैल्यू बच्चों कितनी आती है, यहां से आती है 8 8 4। कितना आया बच्चों बोलो फटाफट जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर, 16 मीटर आ रहा है कि 20 मीटर आ रहा है, बताओ जी कितना आ रहा है। 3t² + 2t + 2, और ये आ गया 20, 20 मीटर आ रहा है ना बच्चों, 16 मीटर कहाँ आ रहा है महुआ, आपने 16 मीटर लिखा है बेटा, 20 मीटर आएगा ना, हाँ 16 मीटर थोड़ी ना आएगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गई बात बच्चों आपको। ठीक है चलिए आगे बढ़े। अच्छा किस, मान लीजिए जैसे कि अगला क्वेश्चन है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए ये बताइए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये मानते हो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में, मेरे ख्याल से यहां पर ही बस सिंपली 2 की जगह क्या रख दो, t रख दो, तो आ जाएगा ना भाई s इक्वल्स टू, ये आ जाएगा, ये जो यहाँ लिखा हुआ यही तो आंसर है, t³ + t⁴/4/2 + 2t इज डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, खत्म हो गया, बस इतना ही था। शिवम कुमार, प्री रिक्विजिट चैप्टर फॉर ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा आना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा आना चाहिए और वेव पूरा आना चाहिए, दोनों चीजें, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दैट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर के ईएमआई एसी तक, और वेव प्लस वेव साउंड वेव और जो भी वेव में पढ़ाया जाता है वो सारा आना चाहिए, तो ये हो जाएगा, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, कंक्लूड करते हैं जो हमने अभी अभी देखा है उसको कंक्लूड कर देते हैं। हमने अभी अभी क्या देखा है, हमने अभी भी देखा है कि एक्स टी, अगर एक्स वर्सेस टाइम दिया गया, पोजीशन वर्सेस टाइम दिया गया, तो उसको और वेलोसिटी वर्सेस टाइम पर जाना हो तो डिफरेंशिएशन से जाते हैं, कैसे, ऐसे dx/dt लिख करके। फिर हमें vt से at जाना हो तो हम कैसे जाते हैं बच्चों, हम डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम को और इधर आ जाता है। ठीक, अब अगर एक्सीलेशन टाइम दिया और हमसे पूछा गया है वेलोसिटी टाइम, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे करते हैं, हम dv को एक तरफ रखते हैं, adt को दूसरी तरफ लिखते हैं और इस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं। इन द सेम वे vt से xt अगर जाना हो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, उससे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, और कैसे करते हैं बच्चों, dx/dt जो v लिखा था ना ये वाला, इसमें dt को इस साइड लाते हैं और dx को ऐड कर देते हैं। क्लियर, मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक चलिए, इंटर कन्वर्जन ऑफ वेरिएबल्स में आते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ वेरिएबल्स का क्या मतलब है पहले वो समझते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ वेरिएबल्स का मतलब क्या बताना चाहता हूँ पहले ये बता देता हूँ, फिर इस बात पे आऊंगा। इंटर कन्वर्जन ऑफ वेरिएबल्स में बच्चों मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स वी टी ए चार तरीके के वेरिएबल से पाला पड़ना है। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, एक्स टी अगर दिया गया हम पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव क्या देगा, वी टी अगर दिया गया, अच्छा नोट करने दो, प्रीवियस स्लाइड नोट कर ले बेटा, चल फटाफट नोट करो, शाबाश, मुझे बहुत खुशी है अभिनव कि तू पूरा प्रॉपर नोट करके काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, कर ले बेटा।
पहले भाई थोड़ा सा नोट करने की असहमति देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। तो एक्स टी पढ़ चुके हैं, वी टी पढ़ चुके हैं, ए टी पढ़ चुके हैं, ये तीन पढ़ चुके हैं। लेकिन इनमें आपस में तो और भी रिलेशनशिप हो सकती है, जैसे एक्स वी भी हो सकता है या वी एक्स भी हो सकता है, ऐसे ही ए एक्स भी हो सकता है, और कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ए वी भी हो सकता है। टोटल पता है कितने हो सकते हैं? छः। जब आप थोड़ी मैथ्स परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा चार चार के पेयर बनाने हैं तो 4c2 आएगा, और 4c2 छः के बराबर आता है, तो ऐसे छः पेयर बनने चाहिए जिनमें से तीन हमने पढ़ लिए हैं। तो अगर ये तीन और पढ़ने तो सारे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे ना बच्चों? ठीक, तो ये तीन पढ़ लेते हैं आज जरा हम लोग। ये तीन क्या है, चलिए देखते हैं आगे। इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन इज गिवन बाई दैट इज वी इक्वल टू एफ एक्स। तो आते हैं वी वर्सेज एक्स पर। अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया जाए तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है जो आज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स अगर दिया जाता है तो हम क्या करें? हम ये करें बच्चा पार्टी कि इसको लिखें डीएक्स बाई डी टी। एक काम तो ये कर सकते हैं, पहला इसको लिखें डीएक्स बाई डी टी बराबर एफ एक्स, फिर डीएक्स को एफ एक्स के साथ रखें और डी टी को। क्योंकि एक बात तो देखो जान लो, इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब जिस फंक्शन का डी एलिमेंट हो उसी का फंक्शन हो इंटीग्रेट करने के लिए। मतलब यहाँ एक्स का डी एलिमेंट है तो फंक्शन भी एक्स का ही होना चाहिए, नाउ इंटीग्रेशन इज पॉसिबल। यहां से अगर आप देखें तो एक्स वर्सेस टी में एक रिलेशनशिप आप ला सकते हैं, और अगर आप एक्स वर्सेस टी में रिलेशनशिप ला सकते हैं तो वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सारी चीजें आप बता सकते हैं, ठीक। दूसरा एक और काम कर सकते हैं बच्चों, अगर वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया है ना तो यहां से आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम कि कैसे सर? देखो कैसे, डी वी बाई डी टी। तो क्या लिखोगे बच्चों? डी ऑफ एफ एक्स, डी डी वी बाई डी एक्स ही लगा दो आप। तो मान लीजिए डी वी बाई डी एक्स जी एक्स आ गया, जिसको आप लोग एफ डैश एक्स भी कहते हैं, ठीक है। जरा देखना ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आने वाली है। ये डी वी बाई डी एक्स को मैं लिख सकता हूं डी वी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये आ गया जी एक्स के बराबर। जी एक्स याद है क्या है? जी एक्स डेरिवेटिव है एक्स के रिलेटिव एफ एक्स का, याद आया ना? ठीक। अच्छा यहां से देखो जरा एक्सिलेशन की वैल्यू क्या आ रही है, ये क्या चीज है? वन अपॉन वेलोसिटी है ना, दैट्स इट। तो एक्सिलेशन आ जाता है वेलोसिटी इंटू जी ऑफ एक्स, जहां पर जी ऑफ एक्स को आप चाहें तो इस अंदाज में लिख सकते हैं, वेलोसिटी तो एफ एक्स थी ना, वेलोसिटी एफ एक्स थी ना, तो आप चाहें तो इसको एफ एक्स लिख दें, और जी एक्स क्या है? एफ डैश एक्स है। तो अरे वाह, ये तो मजा आ गया, ए वर्सेस एक्स बन गया। तो अगर वी वर्सेस एक्स पता है तो दो काम कर सकते हैं वी वर्सेस एक्स। वी वर्सेस एक्स से वो दो काम कौन से? एक तो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं, दूसरा एक्सिलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स भी निकाल सकते हैं। तो दो काम बन गए ना बच्चों, ठीक है। अब अगली बात सुनिएगा। सर पता नहीं, मान लीजिए हम इंटीग्रेट ना कर पाए तो जाहिर सी बात है बच्चों, क्वेश्चन ऐसा ही दिया जाएगा जो इंटीग्रेबल हो, वरना दिया ही क्यों जाएगा? मतलब अगर ऐसी कोई चीज देनी है जो आप ना कर पाए तो सीधा सीधा यही क्वेश्चन होना चाहिए ना कि जब बताओ अच्छा चलो मेरे मन में क्या है ना, तो पूछा जाएगा, तो जाहिर सी बात है सॉल्वेबल होगा तभी पूछा जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगली बात है वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन इज गिवन बाय, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन इज गिवन बाय इतना, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए एक बार कोशिश करिए, मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट।
पानी पी के आता हूँ बच्चों। तो वी को लिखा डीएक्स बाई डी टी बराबर वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, डीएक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डीएक्स लिखा और ये डी टी आ गया, इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ से बोलो क्या आएगा, यहाँ से आएगा बच्चों ऊपर लिख रहा हूँ एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स, अगर मैं ये जीरो जीरो ले लेता हूँ और ये टी और एक्स ले लेता हूँ बराबर टी, तो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी एक्स टी आ गया तुम्हारे पास और यही चाहिए था पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अभी ना बनवाऊंगा बेटा वीएक्स ग्राफ अलग से पढ़ूंगा, चिंता मत करो प्रॉपर बताऊंगा, टेंशन मत ले बेटा कोई भी चीज नहीं छूटेगी, थोड़ा पेशेंस रख ले बच्चा। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। इफ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन इज गिवन बाय ए एज अ फंक्शन ऑफ, अब मान लीजिए ए वर्सेस एक्स की बात करें, ठीक है तो ए वर्सेस एक्स में क्या कर सकते हैं, तो मेरे दिमाग में एक बात आती है ध्यान से सुनना। ए को लिख सकता हूं मैं dv बाई डी टी, ठीक है ये dv बाई डी टी, इसको लिख सकता हूँ dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ ये पॉसिबल है कि नहीं, ये बराबर एफ एक्स होगा। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं। dx बाई डी टी बच्चों क्या है, वी डी वी, अरे वाह ये तो मजा आ गया, एफ एक्स डी एक्स हो गया, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो काम बच जाएगा। अब बात आती है आप मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि सर आपने ये सोचा कैसे, आप बहुत कहते हो कि सोचा कैसे है ये पता करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसी हिसाब से आप हमें बताइए कि आपने ये सोचा कैसे। तो बच्चों हमने ऐसे सोचा ध्यान से सुनना, हमें पता है ए डी वी बाई डी टी होता है, वी आ गया टी आ गया और फंक्शन किसका एक्स का, तीन आ गए, जबकि किसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के लिए एक एक साइड अलग अलग वेरिएबल होना चाहिए, होना चाहिए। तो दिमाग चलाया कैसे मैं एक को एलिमिनेट करूं वेरिएबल को, तो मेरे दिमाग में आया वी एक्स और टी में क्या आपस में कोई रिलेशनशिप होती है, मैंने कहा हाँ डीएक्स बाई डी टी, यहां डी टी तो आ रहा है डीएक्स नहीं आ रहा, डीएक्स आ जाए तो काम बन जाए, ये सोच करके मैंने डीएक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी बन गया, और जैसे ही किया वैसे काम भी बन गया इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है तो वी स्क्वायर बाई टू, अगर मैं जीरो से वी करता हूँ और इसको जीरो से एक्स करता हूँ तो ये कोई फंक्शन आ जाएगा एफ डैश एक्स, और ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश जीरो। ठीक तो वी एक्स भी खत्म हो गया है, एफ ए को वी वर्सेस एक्स, ए वर्सेस एक्स भी खत्म हो गया है। अब पता है क्या बचा है, अब जो बचा है वो कुछ और है वो है ए वर्सेस वी, वो है
ठीक है, चलो पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट जल्दी से। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन। तो वी बराबर साइन एक्स आ गया, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी एक्स कॉस एक्स आया। ध्यान से सुनते जाना, अभी मजा आने वाला है। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी। ना वॉट इज डी एक्स बाई डी टी? इट इज वेलोसिटी। ठीक, तो डी वी बाई डी टी इज एक्सीलरेशन, ये आ गया एक्सेलरेशन। ये किसके बराबर है? डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी इंटू कॉस एक्स, बट वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? साइन एक्स। तो ए बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये है, या हाफ साइन टू एक्स, ये आ गई वैल्यू। ठीक आ गया जी, समझ में आई बात? तो ये है हाफ साइन टू एक्स एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ये करिए फटाफट जल्दी से, देखते हैं कितने को कर पाते हैं। तो v एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया। अब एक्सीलरेशन निकालना है, जैसा बताया था डी वी बाई डी टी एक्स, ये आ जाएगा 3x² प्लस 2x। इसको हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी, दैट इज वेलोसिटी। अब यहाँ से हम इसको वेलोसिटी को उधर ले जाते हैं, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू बच्चों आती है a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? x³ प्लस x² और एक्स डी, और बचा क्या? रिमेनिंग 3x² प्लस 2x। ठीक, ये आ गया एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब वो चीज आ गई जिसकी मैं बात कर रहा था, एक्सीलरेशन वर्सेस वेलोसिटी। एक्सीलरेशन वर्सेस वेलोसिटी है, तो क्या हम कोई इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। डी वी बाई डी टी लिखेंगे एक्सेलरेशन को, और ये बराबर होगा एफ वी के, डी वी अपॉन एफ वी। क्या ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है? बिल्कुल हो सकता है, फंक्शन अगर ढंग का दिया जाए तो ये इंटीग्रेशन बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर ये इंटीग्रेशन हो गया तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो फंक्शन होगा, वो जो रिलेशनशिप होगी, फंक्शन तो नहीं कह सकते, जो रिलेशनशिप होगी वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम में होगी। तो कमाल की बात देखिए, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी दिया था और हमने निकाला वेलोसिटी वर्सेस टाइम। पता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का फायदा क्या है? हम इससे एक्सट्री भी निकाल सकते हैं, हम इससे एटी भी निकाल सकते हैं, है ना?
और अगर 80 XT सब आ गया तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल पीछे नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कुछ चीजें हैं वो देख लीजिए जरा भाई। इसे बोलते हैं डिस्टेंस कैलकुलेशन, रिमेम्बर तो यहाँ लिख दिया। और डिस्टेंस कैलकुलेशन जो है ना वो थोड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशंस है ना वो जनरली पोजीशन की दी जाती है बच्चों, और हमसे बोला जाता है कैलकुलेट द डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकल जो है वो यहाँ से यहाँ पर S1 डिस्टेंस ट्रेवल करके गया, और लौट करके फिर S2 डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी, या यूँ उल्टा बोल देता हूँ, S2 गया और S1 ट्रेवल करी। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बच्चों पूछूंगा, ये है S2, वापस आया S1, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा बच्चों, ये एक ही लाइन पर हो रहा है, दिखाने के लिए मैंने ऐसे दिखाया है लेकिन ये हो एक ही लाइन पर रहा है। तो अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा बच्चों तो क्या होगा, S2 - S1, ठीक है, और अगर डिस्टेंस पूछूंगा तो S1 + S2। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दी है एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो उससे तो एक्स पता चलेगा ना, केवल पोजीशन पता चलेगी ना, डिस्टेंस कैसे निकाले। और दो एक्स का डिफरेंस निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स फाइनल है, ये एक्स इनिशियल है, इन दोनों एक्स का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो उससे तो डेल्टा एक्स आएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्टेंस कैसे निकाले, पता है कैसे, वो पॉइंट निकालते हैं जहां पर वेलोसिटी जीरो हो रही है, टर्निंग पॉइंट। मतलब अगर कोई पार्टिकल आगे गया और वापस लौट के आएगा तो उसकी वेलोसिटी पहले थी पॉजिटिव, जब लौट के आ रहा तब हो गई है निगेटिव, तो पहले थी पॉजिटिव, लौटते समय हो गई निगेटिव। कोई नंबर पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है कॉन्टिन्यूस है, तो बीच में जीरो जरूर हुआ हुआ ना, तो टर्निंग पॉइंट निकालते हैं। और उस टर्निंग पॉइंट पर बच्चों क्या करते हैं, ये एक्स मिडिल का या इंटरमीडिएट बोल सकते हैं उसको, एक्स इंटरमीडिएट एक निकालते हैं, किस जगह का, जहां पर वेलोसिटी जीरो हो रही है। और फिर ये काम करते हैं क्या, हम एक्स इंटरमीडिएट एक्स इनिशियल इनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, और फिर एक्स फाइनल और एक्स इंटरमीडिएट के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये क्या होगा S2, ये क्या होगा, क्या इससे टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो आज के बाद अगर मुझसे डिस्टेंस कैलकुलेशन पूछा जाएगा तो सबसे पहला पॉइंट मुझे क्या करना होगा बच्चों, मुझे वेलोसिटी निकालनी होगी और जीरो करनी होगी, वो टाइम निकालने पड़ेंगे जहां पर वेलोसिटी जीरो होगी, ध्यान रखने ना वो टाइम जहां वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक, मान लीजिए वो एक नहीं कई टाइम आ गए, तो अपने कैलकुलेशन को पार्ट्स में ब्रेक करिए। मान लीजिए T1, T बराबर जीरो से मान लीजिए शुरू होता है मोशन, T1 पर, T2 पर, T3 पर वेलोसिटी को जीरो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, टी बराबर जीरो से T1 के डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, उसका मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस क्यों, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, सबको ऐड करना। फिर T2 से T3 का निकालेंगे, फिर T3 से T4 का निकालेंगे, T फाइनल का निकाल लेंगे, इस तरीके से सबके मॉडुलस निकाल के ऐड कर देंगे, तो बच्चों क्या कहते हो, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी ना, है ना। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड इट्स पोजिशन चेंजेस विद टाइम टी एज शोन इन द डायग्राम। क्वेश्चन क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स फ्रॉम स्टार्ट। डिस्टेंस भी निकालनी है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, तो क्या करें इसके लिए, बता सकते हैं आप। अब इसमें डिपेंड करेगा बच्चों ए की वैल्यू क्या है, तो मैं काम करता हूं, इसको ए नहीं रखता हूं, है ना, इसको मैं लिखता हूं एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, इसको लिख लीजिए 2t² - t³। और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्या लिखेंगे, 2t² - t³, ये लिख लीजिए, और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, है ना, एक बार आप ट्राई करिए फिर मैं आपको बताऊंगा।
तो जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं क्या बताया मैंने आपको, वेलोसिटी निकाल लीजिए। वेलोसिटी आती है 60 - 3t² ठीक है। तो वेलोसिटी कहाँ कहाँ जीरो हो रही पहले ये निकालते हैं बच्चों। एक तो हो रही है टी बराबर जीरो पर, और दूसरा देखो बच्चों कहाँ पर हो रही है, सिक्स भाई इसको लिख सकते हैं ना, टी 6 - 3t = 0। तो दूसरा टाइम कौन सा आ रहा है जहां पर वेलोसिटी जीरो हो रही है, 2 सेकेंड। तो एक तो जीरो पर हो रही है और दूसरी किस पर हो रही है, 2 सेकेंड पर, ठीक है। इसका मतलब पार्टिकल ऐसे चला, टी बराबर 2 सेकेंड पे टर्न कर सकता है, कोई बात नहीं करने दीजिए, और फिर टी बराबर 10। तो एक बार हम निकालेंगे एक्स एट टी बराबर जीरो, फिर निकालेंगे एक्स एट टी बराबर 2, और फिर निकालेंगे एक्स एट टी बराबर 10। फिर ये वाली डिस्टेंस डिफरेंस निकालेंगे, फिर ये वाली से निकालेंगे, दोनों के मॉडुलस को जोड़ देंगे, ठीक है। तो एक्स एट टी बराबर जीरो, चलो बताओ कितना आया, वहां जीरो रख दीजिए तो जीरो आ गया। चलिए अगला बढ़ते हैं, एक्स एट टी बराबर 2, टी बराबर 2 रखते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये आ गया 8 - 8, अरे वाह ये भी जीरो आ गया, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, 2 सेकेंड पर भी जीरो आ रहा है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये तो बहुत ही अल्टीमेट चीज हो रही है कि अगर आप देखें तो टी बराबर जीरो पर भी एक्स जीरो आ रहा है और टी बराबर 2 पर भी एक्स जीरो आ रहा है। तो ये तो बहुत ही मजेदार बात हो रही है भाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी जरा देखते हैं, वेलोसिटी कैसी है। इसकी वेलोसिटी है 60। अच्छा ओ ओ मैंने गड़बड़ कर दी यार, ये तो यहाँ पर ये गलती कर दी मैंने। अरे वाह कुछ लोगों ने तो आंसर भी निकाल दिया, 2 4a³/3, 224/27। ग्रेट यार ग्रेट, बहुत बढ़िया रवि रंजन बाबू। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है मैं आंसर देख ही नहीं रहा था आप लोग के, और बस मैं बताता चला जा रहा था, तो मैं वापस आता हूँ इस क्वेश्चन पे। तो 2t² - t³ तक तो हम लोग पहुंच मतलब ये दिया गया था, और यहाँ से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो डिफ्रेंशिएशन में बच्चों गलती की है मैंने, ये 4t है तभी ऐसा पॉसिबल मतलब नहीं होना चाहिए था, हो रहा था, तो ये आया 4t। ये यहां से आएगा 4 - 3t, टी की वैल्यू आएगी 4/3 सेकेंड एंड 0। तभी मैं कहूँ यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है 4/3 सेकेंड। इसके बाद फिर आप ये टी की वैल्यू यहां पर अप पुट करेंगे, तो टी बराबर 4/3 आ रहा था, जो 2 सेकेंड में बोल रहा था ना वो 4/3 आ रहा था, तभी मैं कहूँ यार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि लेकिन एक बढ़िया बात पता चली, बताया गया कि जीरो से चलेगा और 2 सेकंड में वापस आ जाएगा, और टर्निंग पॉइंट कहाँ पर है अब पता चला, 4/3 पर है, तो दो यानी कि ये पता ही है यहाँ पर 2 सेकंड पर होगा, ये एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। चलिए कोई बात नहीं, टी इक्वल टू 4/3 डालिए बच्चों और देखिए कितना आ रहा है। तो यहाँ से आता है 2 × 9 - 64/27। कई बच्चों ने इसको सॉल्व भी किया भाई, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 96 - 64/27, ठीक। अरे बोलो ना भाई, तो यहां से x की वैल्यू पहले निकालते हैं पूरी की पूरी, तो 32/27, पता है 32/27 तो हो गई पहली वाली डिस्टेंस, कौन सी, टी बराबर जीरो से टी इक्वल टू 4/3 सेकेंड तक की, और फिर 4/3 से 10 तक की, तो x बराबर 10 पे भी निकालो, x एट टी बराबर 10 पर कितना आएगा बच्चों, तो ये आएगा 100 - 200 - 1000। ओहो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आना ही था, अबे जब 2 सेकेंड पर वो पार्टिकल अपने इनिशियल पॉइंट पर आ रहा था तो 10 पर तो पीछे जाएगा ना, तो 1000 आ गया यहाँ पर, तो 1000 - 200 - 800 ये आ गया है, ठीक। इसका मॉड लीजिए ऐड कर दीजिए, तो आंसर इज 800 + 32/27, और कुछ बच्चों ने काफी मेहनत करके निकाला है तो वो देख लें ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हुआ,
नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम्पल हैं, मतलब या मैं ही दे सकता हूं आपको एक क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है एक्स इक्वस टू ले सकते हैं 60 स्क्वायर माइनस 2t, ये आपको दिया गया है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है टी इक्वस टू 0 टू टी इक्वस टू 5 सेकेंड तक आप डिस्टेंस कवर्ड निकालें, डिस्टेंस कवर्ड ये निकालें, ठीक, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप खुद से करें, स्वयं से करें, है ना, और इसका आंसर निकालें। तो ये आपके लिए बच्चों होमवर्क है जो आप करके लाइएगा, ठीक। इसके बाद अब हम अगली चीज पढ़ने जा रहे हैं, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मैं चाहता हूँ इसको मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँ बच्चों। तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये होने के बाद ये समझ लीजिए काइनेमेटिक्स का जो ग्राफ वाला पार्ट है वो बहुत तेजी से यूं खत्म होगा, बहुत जल्दी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, आज इतना ही हो पाएगा क्योंकि मेरी अगली क्लास का भी टाइम होने वाला है, ये क्लास लेट स्टार्ट हुई थी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा डिस्कस, ये मैंने आपको बताया है कि एक तो वो जो होमवर्क दिया है वो अभी जो होमवर्क दिया है ये, और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए सर, अब मैं इसको एंड कर देता हूँ बच्चों, इस क्लास को।